नवरात्रि में पंडालों में स्थापित की गई दुर्गा प्रतिमाओं को दशहरे के अगले दिन सोमवार को लोगों ने राजघाट स्थित बनाए गए पोखरों में भक्तों द्वारा धूमधाम से मां दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित किया गया। इस दौरान लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया। माता के जुलूस में कम से कम लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह अबीर गुलाल उड़ाते हुए व डीजे की धुन व देवी गीतों के बीच थिरकते श्रद्धालु लगातार आगे बढ़ते रहे। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन नदी के किनारे बनाए गए विशेष पोखरों में किया गया। इस संबंध में सीओ कैंपियरगंज राहुल भाटी ने बताया कि मूर्तियों का विसर्जन बहुत ही तेजी के साथ किया जा रहा है। सभी लोग कोविड 19 के जारी गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए मां की प्रतिमाओं की नदी के किनारे बनाए गए पोखरों में विसर्जित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि देर शाम तक 400 के करीब मूर्ति विसर्जित कर दी गई थी। मूर्ति विसर्जन के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी समस्या नहीं हुई। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए सीओ कैंपियरगंज IPS राहुल भाटी ने कहा, जो भी मूर्तियां लाइन में लगी हुई है कृपया सभी भक्त भक्तगण का अनुरोध है कि गाड़ी को ट्रेन के माध्यम से जाएगी। अन्यथा गाड़ी फंस जाएगी तो सभी प्लेट लगे उसके बजाय अधिक मूर्ति की सजे स्थल तक ले जाए मूर्ति का प्रतिमा करें। जैसे ही आप सहयोग करोगे समय का बचत होगा। कहाँ गाड़ी खड़ी है वही का अपना पूजा पाठ करो। प्लेट धस गई है हमारा ट्रैक्टर साथ लगा हुआ इसका सहयोग है। लेना चाहे तो ले ले और इसके लिए आप प्लेट को चेंज करा दें। अन्यथा गाड़ी घर बन बैठ जा रही है घर जा रही है। जमीन दलदल के कारण जो एक दूसरे का सहयोग करे वहाँ इन्हें सभी भक्तगणों का नगद एवं हार्दिक स्वागत में वंदन करता है। बाहर निकल जाए सहयोग करें। एक बार अनुरोध है कि एक दूसरे का सहयोग प्रदान करें। बार बार ऐसा जा रहा है कि बैकेटिंग के कारण गाड़ी खड़ा ना करें। जो भी मूर्तियां लाइन में लगी हुई है जिससे कि दुर्घटना की समस्या न उत्पन्न हो। बैरिकेडिंग पर जो कम से कम लोग इकट्ठा हो। श्रद्धालुओं का भक्तगणों का नगर एवं गोरखपुर हार्दिक स्वागत को वंदन करता है। बाहर से ले जाइए बाहर से दिखाई दे रहा कि रास्ता सीधा सभी श्रद्धालुओं भक्तगणों से सादर अनुरोध है कि बैरिकेडिंग से दूर रहे।
किया। अभी ये जो राजघाट पुल है यहाँ पे 3 पॉइंट बनाया गया है मूर्ति विसर्जन के लिए। यहाँ पे हमारी एक टीम डिप्लॉय है जिसको हमने 3 सेक्शनों में बांट रखा है, तो दो यहाँ पे है और एक पेट्रोलिंग लगा रखा है जी। जी इसे मतलब कि मॉनिटरिंग ही है सर, यहाँ से वहाँ तक जो कहीं से अगर सूचना मिलेगी उसे हम त्वरित कार्रवाई करने के लिए सुरक्षा की मॉनिटरिंग। अब तक कोई अप्रिय घटना की सूचना मिल पाई है? नहीं, अभी तक हमें ऐसा कोई भी प्रशासन के द्वारा कुछ ऐसी सूचना कर नहीं है इस बारे में, अप्रिय घटना कोई सूचना। मूर्ति विसर्जन का तो जब से हमारी टीम लगी है अभी इसका गणना नहीं है, लगातार भागों में आ रही है मूर्तियां विसर्जन होने के लिए, इसकी गणना तो अभी हमारे पास कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है, काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं लेकर। देखिए कोरोना काल होने की वजह से जो स्केल था प्रोग्राम का वो छोटा हो गया है, उससे क्या है कि मूर्तियों की साइज़ भी छोटी है और उसको ले जाने वाले व्हीकल भी छोटे हैं, तो उस कारण से क्या हो रहा है कि विसर्जन को मूर्ति को विसर्जित करने में जो समय लग रहा है वो कम लग रहा है, इसलिए सारी प्रक्रिया थोड़ी जल्दी होती जा रही है। अभी तक कुल मिला के 390 मूर्तियों का विसर्जन हो गया है, सारी व्यवस्था एकदम सुचारू रूप से चल रही है, किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। नहीं, कल भी मूर्तियों का विसर्जन जारी रहेगा जब तक खत्म नहीं हो जाता 28 तारीख तक, इसी तरह से इसी तरह की व्यवस्था बनी रहेगी। पूरे शहर में और भी काफी सारे स्थल हैं मूर्तियों के विसर्जन के, ये भी उनमें काफी एक महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है जहाँ काफी सारी मूर्तियाँ आती है। जी NDRF की टीम स्टैंड बाई पर है, इन केस कुछ इस तरह की डिजास्टर रिलीफ की कुछ सूचना मिलती है तो NDRF की टीम भी स्टैंड बाई पर है।